मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत भोपाल में ईवीएम वीवीपैट मशीनों की एफएलसी कार्यशाला आयोजित की गई, जहां इस कार्यशाला में केंद्रीय निर्वाचन आयोग से आए प्रशिक्षकों को मशीनों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। और इसके अलावा जो ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर के, जैसे वेयर हाउस में जहां मशीनें रखी जाती हैं वहां एक सेक्शन फोर्स होती है, सीसीटीवी आदि की व्यवस्था रहती है, सिंगल एंट्री एग्जिट लॉग बुक, और मतदान की प्रक्रिया के दौरान जब मशीनें तैयार होती हैं तो जितने तरह के प्रिकॉशंस हैं, रैंडमाइजेशन दो दो बार किया जाता है, फिर पोलिंग बूथ पे भी उनका रैंडमाइजेशन किया जाता है, वेबकास्टिंग की व्यवस्था होती है मतदान केंद्र से, इवन जो एफएलसी होगी इसकी वेबकास्टिंग होगी, तो अगर जो एफएलसी हो रही है, मतदान हो रहा है, उसको दिल्ली में बैठ करके भी देखा जा सकता है, भोपाल में बैठ के देखा जा सकता है।